आप सभी का स्वागत है। बात कर लेते हैं अयोध्या की। भगवान राम लला की नगरी अयोध्या राममयी है। सातवें दीपोत्सव पर सरयू नदी के किनारे 51 घाटों पर 24 लाख दिए जलाए गए। 22,23,000 दीप जलाने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना। होलोग्राफिक लाइट के जरिए महर्षि वाल्मीकि की राम की कथा भी सुनाई गई। लेजर शो के बाद 23 मिनट तक आतिशबाजी की गई। 84 लाख रुपए की कीमत के ग्रीन पटाखे भी जलाए गए। इधर 24 लाख दीपों को जलाने के लिए 1,05,000 लीटर सरसों तेल का इस्तेमाल किया गया। इस दौरान 54 देशों के राजदूत भी दीपोत्सव कार्यक्रम में मौजूद रहे। तो वहीं दीपों की गिनती के लिए 2 ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। बता दें, पिछली सरयू तट पर 15,76,000 दीप जलाने का कीर्तिमान गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। जिस पल का इंतजार था अयोध्या में, वो घड़ी आ गई है। आप देखिए, अयोध्या में इस समय हम राम की पैड़ी पर है। आप देखिए, जहां तक आप देखेंगे वहां पर दिए आपको जलते हुए दिखेंगे। 24 लाख दिए जलाकर आज एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी थी और उस काम को जो है 25,000 वॉलंटियर्स ने संपन्न किया, इस टास्क को पूरा किया। और ये राम की पैड़ी पर आप देखिए, जहाँ तक आपकी निकाह जाएगी, जहाँ तक आप नज़र उठाकर देखेंगे, आपको दियों की कतारें नजर आएंगी, जलते हुए दिए। रामनगरी अयोध्या में आज दीपोत्सव है और घाट के दोनों तरफ दिए जल रहे हैं। इसके साथ ही आप भीड़ देखिए, कितने वॉलंटियर्स हैं, अयोध्यावासी हैं, तमाम राम भक्त हैं, दर्शक हैं। इसके साथ आपको दिखाएंगे कि सामने दाहिनी तरफ जो है स्टेज भी सजा हुआ है, जहां पर 52 देशों के राजनयिक आए हुए हैं। विशिष्ट अतिथि के रूप में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के डिप्टी CM राज्यपाल हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ा दिव्य और भव्य दीपोत्सव अयोध्या में आज हो रहा है, जिसकी साक्षी यहां पर उपस्थित सभी लोग बन रहे हैं और जिसके लिए पिछले काफ़ी दिनों से, महीनों से तैयारियां चल रही थी कि इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बना जाएगा अयोध्या में दीपोत्सव को में 24 लाख दिए जला के। तो कुल मिलाकर एक अद्भुत छटा है, एक अलौकिक और उल्लास का माहौल है। और ये दृश्य कितना सुंदर है, कितना निराला है, कितना आनंद देने वाला है, इसकी कल्पना करना जो है मुश्किल नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पर दिख रहा है इसको देखकर ये समझा जा सकता है कि त्रेता युग में जब राम, प्रभु श्री राम 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस अयोध्या आए थे लक्ष्मण और सीता के साथ, तो उस समय अयोध्या वासियों ने किस तरह से घी के दिए जलाकर अयोध्या में उनका स्वागत किया था, ठीक वैसा ही दृश्य आज अयोध्या में दिख रहा है। और अयोध्या के लोग, जो भी लोग यहाँ पर उपस्थित हैं या फिर जो है चैनलों के माध्यम से या खबरों के माध्यम से इसको देख रहे हैं, वो उसके साक्षी बन रहे हैं और आनंदित हो रहे हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र कुमार के साथ आलोक राय, बंसल न्यूज़, अयोध्या।